भी आप बेहतरीन अंदाज में सोहराब साहब से नाते नबी समाअत फरमा रहे थे। मैं कोई अलाउंसर नहीं हूँ, अलाउंसरी करने नहीं आया, अलाउंसर तो अभी कहीं गए हुए हैं। मैं सिर्फ अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब को मुबारकबाद देने आया। अब आप सोच रहे हैं किस चीज की मुबारकबाद। तो अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी जो इदारे शरिया के सदर भी, और इनकी सदारत में इदारे शरिया ने जो तरक्की की है उसको देख करके दिल बाग बाग हो गया। अभी इन्होंने जो नई इमारत बनाई है उसे देखकर मेरा सीना भी फख्र से ऊंचा हो गया कि मैं भी आज कहने का हकदार हो गया हूं कि चलो इदारे शरिया की इमारत देख लो, मेरे पास भी इदारे शरिया की इमारत है। इतनी शानदार इमारत उन्होंने, पुरानी इमारत अपनी जगह पर, नई जमीन लेकर के और नई इमारत को खड़ा कर दिया है 3 मंजिला, और इन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी से उसे आरास्ता और पैरास्ता किया। अभी 7 तारीख को इदारे शरिया का 50 साल जश्न मनाया गया और उसका इफ्तिताह भी हुआ। हम कब नसीब रहे कि नहीं पहुंच पाए, कुछ मजबूरियां थी, प्रोग्राम बना था जाने का लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी हुई कि आदमी नहीं जा पाया, लेकिन फेसबुक के जरिए मैंने उस इमारत को देखी तो दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया और दुआ निकली कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जमात में गुलाम रसूल बलियावी जैसा कायद पैदा करे, इनके जैसा कायद। बहुत लोग कुछ कुछ सोचते रहते हैं लेकिन मैं बहुत करीब से जानता हूं जो दर्द मसलक का, कौमो मिल्लत का गुलाम रसूल बलियावी के दिल में है शायद ही किसी कायद के दिल में होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, वहां गए हमारी आवाज उठाते रहे, फिर आप एमएलसी बने, आज भी मौजूदा एमएलसी हैं, वहां भी हमारी आवाज उठाते हैं। इदारे शरिया के सदर हैं, वहां भी हमारी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और फिर इत्तेहाद मोर्चा बना करके भी हमारी नुमाइंदगी करें। कितनी जो है आप जिम्मेदारियां ली हुई हैं, बदन देख रहे हैं मुश्किल से 5 फीट से ऊपर नहीं होगा, लेकिन लेकिन जो दर्द और जो कौम को आगे बढ़ाने का, कौम के बच्चों को आगे बढ़ाने का दर्द इनके दिल में है शायद ही किसी के दिल में होगा। और इतना खाकसार, इतना ओहदा लेकर के आदमी अपने को बहुत बड़ा समझ लगता है कि मैं ये हूं, लेकिन गोपालगंज का एक फर्द भी अगर फोन कर दे तो दावत कबूल कर लेते हैं। मौलाना सफीउल्लाह साहब, हाफिज सफीउल्लाह साहब ने मुझसे कहा कि आप दावत दीजिए, मैंने कहा आप दीजिए ना, अगर आपकी बात नहीं सुनेंगे तब ना मैं कहूंगा, लेकिन उन्होंने दावत दिया और उन्होंने कबूल कर लिया। एक किसी ओहदे पर आदमी फाइल हो जाता है तो पैरवी लगा करके आदमी वहां पहुंचता है, लेकिन इस शख्स के पास किसी पैरवी की जरूरत नहीं, आधा आदमी भी इनसे जाकर के मुलाकात कर सकता है, फोन से बात कर सकता है। ये खुसूसियत है अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी के अंदर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज मदरसा जीनतुल उलूम, गौसिया जीनतुल उलूम के ज़ेर एहतमाम मदीनतुल इल्म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। आप कमेटी के हजरात बहुत ही मुबारकबाद के आप मुस्तहिक हैं कि आपने इतना शानदार इंतजाम किया है, और हाफिज सफीउल्लाह साहब जो मदरसे के सदर मुदर्रिस हैं इनकी आपने इनको ताउन दिया है और इनकी रहनुमाई में आप मदरसा आज देख करके आज मेरा भी दिल बाग बाग, बहुत दिनों के बाद आया ये बगल बगल जो ये बाउंड्री खींच करके और ये पढ़ाई का जो सिलसिला या तो ये देख करके मेरा भी दिल बाग बाग हो गया कि बहुत कम मुद्दत में ये मदरसा इतना तरक्की कर गया। बहुत ही ताज्जुब मुझे भी हो रहा है और इस बात की खुशी भी हो रही है कि हाफिज सफीउल्लाह जैसा फाल मुदर्रिस और कमेटी फाल है तभी तो मदरसा इतना तरक्की कर रहा है, वरना कमेटी अगर फाल हो और मुदर्रिस फाल ना हो
तो तरक्की नहीं कर सकता है। अब मदरिस फाल हो, कमेटी भी अगर फाल ना हो, तब भी तरक्की नहीं है। दोनों फाल है तभी मदरसा आज इस इलाके में तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। मेरी दुआ है कि मदरसा दिन दोनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अब मैं अलाउंसर कर नहीं आया था, बस मुबारकबाद देने आया था हजरत की बारगाह में। अब अलाउंसर साहब को वक्त ज्यादा नहीं लेना है, बस आइए इनका इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे सारे से कर लें। नारे तकबीर बड़े गुलाम रसूल साहब के लिए ये नारा। वाह वाह वाह, क्या इसी से अंदाजा हो गया कि मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ? नहीं असर। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, गुलाम रसूल बलियावी जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, मदतुल इल्म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह वाह सही कर दिया माशाल्लाह। अरे हां हां